हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब मज़े में होंगे। तो अभी वाला वीडियो है मेरा अंकुश का, जो कल का वीडियो आया था, कोर्ट रूम में चला गया। बट ये क्या हो गया है ना, तो इस वीडियो की मैं बात करूंगी। और आज शायद उनकी कोर्ट हियरिंग है, ठीक है, वो गए हैं और उनका लेटेस्ट रीसेंट वीडियो आएगा जिसमें वो अपडेट देंगे कि क्या हुआ। भाई जाता मैं हर बार हूँ, है ना, एक शर्ट पहन के जाते हैं, उसको प्रेस कर रहे थे। बाकी आज की वीडियो में ये कोर्ट रूम में चला गया वाली बात जो उन्होंने बोली है, ये इनका सपने में था। ये आगे जा रहे हैं और कह रहे हैं मैं आ गया, मैं तो हमेशा जाता हूँ। और वो बहुत सारी चीज़ें हैं, बाकी कोलाज जो पीछे बच्चे का था और सारी जो कोलाज बनाया हुआ था, उनको पिक्चर को निकाल के जो उन्होंने मून पे जो अपनी प्रॉपर्टी ली है उसका वो वहाँ पे फ्रेम वगैरह आ गया है ना, PDF वगैरह निकलवा लिया उन्होंने प्रॉपर्टी ली, तो उसका वो वहाँ पे लगाएंगे। बाकी यस, अपनी मम्मी की और उस छोटे से बच्चे की और अपनी जितनी भी, और साथ में अनवित की, कंचन की, उनकी सिस्टर जो है, उन सबकी कोलाज ये लोग घर पे लगाने वाले हैं, जो कि अच्छी चीज़ है यार, पूरे परिवार की मेमोरीज रहेंगी। ठीक है, अगर कोई और भी होता तो शायद वो मेमोरीज और अच्छी होती, यानी कि छोटी जिज्जी होती, लेकिन खैर उनकी बात क्या ही करें। और आज उनका केस है तो वो हमें लेटेस्ट अपडेट देंगे, अपनी वीडियो में आएगा तो उनका वीडियो पता चल ही जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक बात करना चाहती हूँ कि एक छोटे से बच्चे को, अभी तो शायद मेरे को लगता है कि वो अपने फादर को भूल गया होगा, अपनी दादी को भूल गया होगा, बहुत टाइम हो गया, मतलब बहुत पहले उसने अपने देखा होगा फादर को, कहीं ना कहीं वो पहचानता भी नहीं होगा। एक फादर कब से तड़प रहा है अपने बच्चे से मिलने के लिए, वो उस घर रास्ते में भी जाता है उधर जहाँ पे वो है, ठीक है, बच्चा जिस घर में है उस रास्ते में अपने रिश्तेदार के घर भी जाता है, तो उसकी जो माँ है वो ये बोल देती है कि भाई मेरे बच्चे से मिलने हैं, मेरी जान को खतरा है ना, मेरे बच्चे की जान को खतरा है, जबकि वो उधर घर पे ही नहीं आया। और झूठ झूठ एलिगेशंस लगा दी जाती है कि ये पी के आया और इसने हमें ऐसे आंखें दिखाई, है ना, जान को खतरा है, और पता नहीं 100 चीज़ें बता दी जाती है, जबकि वो सारी झूठी होती है कि नशे में आया। कहीं ना कहीं डराया जा रहा है, धमकियां दी जाती हैं उसको कि कोशिश ना करे बच्चे से मिलने की, तो दोनों लीगली ये लोग लड़ रहे हैं आपस में, जो भी चीज़ें चल रही हैं। अच्छा हाँ, मैं यहाँ पे एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि कुछ देर पहले मेरी एक सब्सक्राइबर है सपना, उन्होंने मेरे को एक कमेंट किया कि बच्चे से मिलने की उसको परमिशन मिल गई है। मुझे नहीं पता इस चीज़ में कितनी सच्चाई है कि नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर ये चीज़ हो जाती है तो आप सोचिए, जिज्जी ने बहुत कोशिशें करी पहले भी, अभी जो मीडिएशन था उसके पहले भी वो बहुत एक्साइटेड थे, ठीक है, अपनी मम्मी को लेके भी गए थे, लेकिन वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आ, बहुत सारे टॉयज भी लेके गए थे लेकिन वहाँ से नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला, ठीक है, वो नहीं मिलाना चाहती थी। उन्होंने हमेशा यही जिद करी कि मेरा बच्चा टॉय नहीं है, अगर आपको मिलना है तो मेरे घर पे आओ, मेरी मम्मी के सामने उस बच्चे से मिलो, मेरी मम्मी के पाँव में झुको, मतलब कहीं ना कहीं जो उनका ईगो है ना, वो अपना ईगो सेटिस्फाई करना चाहती थी। ये चाहती थी कि वो आए और हम लोग उसको इंसल्ट करें, घर पे ही मिलाऊंगी। एक फादर को बिल्कुल कट कर दिया गया कि उसका उसके बच्चे पे बिल्कुल हक नहीं है, उसको ऐसे बोला जाता है कि कैसा फादर है, तो कहीं ना कहीं जो हमारी न्याय व्यवस्था है, ठीक है, वो सबको, चाहे वो फादर हो मदर हो, दोनों बच्चे के लिए ज़रूरी है, ठीक है। इनके ड्रामे कभी ये लोग यूट्यूब पे चैनल टर्मिनेट की बात करते हैं, अभी तो आप लोग समझ चुके हैं इनकी फैमिली कितनी झूठी फैमिली है। भाई आ रहा है, भाई अपने को वो क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं और कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिखा रहे हैं कि हमारा रिश्ता टूट गया है, जबकि ऐसा कुछ हुआ भी नहीं होगा, लेकिन दिखाने की कोशिश पूरी की जा रही है, ठीक है। तो हर चीज़ को कैश करना ये लोग जानते हैं, झूठ के दम पे ही ये लोग अभी तक टिके हुए हैं। खैर, मैं आपको एक और चीज़ बोलना चाहती हूँ कि आज जो भी न्यूज़ आए, ठीक है, अंकुश की, अगर वो पॉजिटिव भी आती है और नेगेटिव भी आती है, तो देखिए वहाँ पे वो जो छोटी जिज्जी, उन्होंने पूरी कोशिश करी है और अभी आगे भी करेंगी कि वो ना मिल पाए, ठीक है। कोर्ट हियरिंग में हर बार डेट को अवॉइड करना, ना जाना, इग्नोर करना, बाकी मैं, मुझे नहीं पता कितनी सच्चाई है, क्योंकि जब वीडियो आएगा तभी मैं बात कर पाऊंगी इस बारे में। लेकिन अगर सोचिए, अगर उसको विजिटेशन राइट्स मिल जाते हैं, तो इस बार ये पूरी फैमिली कितनी भी कोशिश कर ले, चाहे इनकी मम्मी, चाहे इनका भाई, चाहे जिज्जी, चाहे जिज्जा, चाहे उसकी खुद की माँ, उस बच्चे को अंकुश से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। क्या अंकुश को परमिशन मिल गई है, क्या वाकई अंकुश को परमिशन मिल गई है, वो हमें आने वाले टाइम पे उनकी वीडियो में देखने को मिलेगा। बाकी यस, अगर मिल गई है तो आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी। जितने भी लोग हैं, हम लोग सब लोग हमेशा शुरू से इन चीज़ों के लिए हमेशा लड़े हैं और हमेशा रिएक्शन चैनल्स ने यही चाहा है, सबको मैं यहाँ पे कंग्रेचुलेट करती हूँ। अगर ये लोग इस बात में सच्चाई है, तो हमेशा से हम लोग यही चाहते थे कि वो बच्चा अपने पापा से मिले, अपनी दादी से मिले। अब पता नहीं कितनी देर के लिए मिलने देंगे, विजिटेशन राइट्स मिले हैं नहीं मिले, किस उस पर मिलेंगे और कब कब मिल सकता है। वीडियो कॉल का भी ऑप्शन होता है, लेकिन देखते हैं आने वाले टाइम पे क्या होता है। बट मैंने सोचा मैं एक छोटा सा अपडेट यहाँ पे दे देती हूँ, और अगर ये चीज़ अच्छी है तो वाकई सच है, तो फिर ये बहुत अच्छी न्यूज़ है सभी के लिए, और अंकुश के सपोर्टर्स के लिए, सारे रिएक्शन चैनल्स के, जो हमेशा से चाहते थे कि जो सिद्धार्थ है वो अपने पापा से मिले, पापा को हक करे, पापा को प्यार करे, है ना। तो बस ये छोटा सा अपडेट,
और कितनी सच्चाई है वो उनके वीडियो में ही आके पता चलेगी। अगर ये गुड न्यूज़ है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मैं अंकुश को भी कहना चाहती हूँ, सारे रिएक्शन चैनल्स को और अंकुश की मम्मी को, स्पेशली दादी जी को, है ना। कल ही जब वो फोटो आई थी वो कह रही थी ना कि ऐसे कह रही है मेरी मम्मी, कितना गप्पू गप्पू सा। तो यस, मैं भी खुश हूँ अगर ये बात में सच्चाई है तो। सपना जी ने मुझे आगे बताया कमेंट सेक्शन में, बाकी देखते हैं आने वाले टाइम पे कितनी सच है ये न्यूज़। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, छोटा सा अपडेट था, आई होप ये चीज़ सच हो, बाकी वो तो टाइम ही बताएगा। वेटिंग फॉर अंकुश वीडियो टू कम, देखते हैं क्या अपडेट है। चलिए बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।